के गड्डी गोदाम इलाके में अवैध तरीके से गौमांस विक्रेताओं पर सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। इनके पास से पुलिस ने 13,065 किलो का मांस भी बरामद किया है। नागपुर शहर के गड्डी गोदाम इलाके में अवैध तरीके से गोमांस विक्रेताओं पर सदर पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी के मार्गदर्शन में गुरुवार की दोपहर गड्डी गोदाम इलाके में मटन चिकन दुकानों की जांच के दौरान एक दुकान में अलग अलग कमरे में पर्दा लगाकर अवैध तरीके से गोमांस बेचते हुए 3 विक्रेता मिले। पुलिस ने इस दौरान आरोपी साहिल कुरैशी, आसिफ कुरैशी, शहबाज कुरैशी और खरीदार मोहम्मद इमरान कुरैशी, जहीर कुरैशी, सफरगंज हक, अब्दुल हक, गड्डी गोदाम निवासी पर कार्रवाई की है। आज दुपारच्या वेळेस आम्ही डीबी पथकची टीम गड्डी गोदाम भागामध्ये पेट्रोलिंग करत होती, तेव्हा त्यांना माहिती मिळाली की काही मटन आणि चिकनच्या दुकानामध्ये अवैधपणे गोवंश जातीचे मांस विक्री होत आहे। त्यावेळी त्या दुकानावर आम्ही रेड घातली असता आरोपी राहिल कुरैशी, छोटू कुरैशी, आसिफ कुरैशी, अजित कुरैशी, साहेब कुरैशी, शकील कुरैशी यांचे असे 3 दुकानामध्ये गोवंशीय जातीचे मांस विक्री होताना आम्हाला मिळून आलेले आहे। तसेच 2 ग्राहक असे टोटल आम्ही 5 लोकांवर कलम 5(5)(9)(ब) महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम अन्वये आम्ही कारवाई केलेली आहे। त्यांच्याकडून आम्ही 65 किलो गोवंश प्रजातीचे मांस जप्त केलेले आहे। टोटल किमती 14,800 रुपयाचे मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। पुलिस ने आरोपियों से 13,000 रुपए का 65 किलो का गोमांस, 3 वजन काटा, 3 वजन माप, 3 सतूर सहित 14,800 रुपए का माल भी जब्त किया है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।